नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल्द बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में इतने पदों पर निकलेगी बहाली। किसानों को कैंप के जरिए मिल रहा कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन। दसवीं की परीक्षा में पहले दिन कदाचार मामले में इतने परीक्षार्थी हुए निष्कासित। ट्रक बस ड्राइवर एक बार फिर से करेंगे हिट एंड रन कानून का विरोध। अपने पिता को लेकर भावुक हुए सरफराज खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जल्द बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में इतने पदों पर निकलेगी बहाली। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 86,474 रिक्त पदों पर बिहार लोक सेवा द्वारा बहाली करवाई जाएगी। इनमें सबसे अधिक बहाली कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल के लिए होंगे, जिसमें 28,026 पद शामिल है। वहीं कक्षा 6 से 8 की बात करें तो यहां 19,057 पदों पर बहाली की जानी है। कक्षा 9 से 10 के लिए 17,018 पदों पर और कक्षा 11 और 12 के लिए 22,373 पदों पर बहाली की जाएगी। इन 86,474 पदों पर बहाली की अधियाचना शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन पदों की सूची बीपीएससी को भेजी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में बीपीएससी तक ये अधियाचना पहुंच जाए। ट्रक बस ड्राइवर एक बार फिर से करेंगे हिट एंड रन कानून का विरोध। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार का जनसंपर्क अभियान गुरुवार को हिट एंड रन कानून के खिलाफ 16 और 17 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल को लेकर रुक गया है। इस संबंध में फेडरेशन के बिहार महासचिव राजकुमार झा द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि बिहार में 2 दिन पूरी तरह से हड़ताल है। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया है कि सिपारा इंडियन ऑयल डिपो से कोई भी टैंक लॉरी नहीं खुलेगी। बैरिया बस स्टैंड भी पूरी तरह से बंद रहेगा। कोई भी ट्रक चालक ट्रांसपोर्ट नगर से ट्रक नहीं निकालेंगे। इसके अलावा इस हड़ताल के कारण पूरे बिहार में लगभग सभी छोटे बड़े वाहनों का परिचालन बंद रखा जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों की गाड़ी को इस हड़ताल से मुक्त रखा जाएगा। बिहार मोटर्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। बिहार के प्रवासी कामगारों की सहायता के लिए शुरू होगा प्रवासन परामर्श सह पंजीकरण केंद्र। श्रम संसाधन विभाग द्वारा राज्य से बाहर जाने वाले और दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल इन प्रवासी कामगारों की सहायता के लिए प्रवासन परामर्श सह पंजीकरण केंद्र की स्थापना करवाई जाएगी। यह केंद्र 1 मार्च से काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए ओवरसीज मिनटेक कंसल्टेंट्स को सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी को चुना गया है। बिहार में प्रवासन सह पंजीकरण केंद्र की स्थापना पटना, पूर्णिया, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सहरसा और गया में की जाएगी। वहीं बिहार से बाहर दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर, लुधियाना, सूरत और गुवाहाटी में स्थापित होगी। इस केंद्र में एजेंसी द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूरों को कई सेवाएं दी जाएंगी, जिनमें कौशल उन्नयन, परामर्श, सहायता सेवाएं, जागरूकता कार्यक्रम, पहचान समाधान सेवाएं, कानूनी साक्षरता सेवाएं आदि शामिल है। किसानों को कैंप के जरिए मिल रहा कृषि कार्य के लिए बिजली का कनेक्शन। कृषि कार्य के लिए राज्य के किसानों को 20 फरवरी तक कैंप लगाकर बिजली का कनेक्शन देने की तैयारी है। विद्युत पंप सेटों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए जिलों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर आवेदन लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो कृषि के सिंचाई कार्य के लिए बिजली कनेक्शन लेने के इच्छुक किसान अपने प्रखंड या पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहे कैंप में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सुविधा ऐप के माध्यम से भी किसान चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि सिंचाई कार्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कार्य सीएम कृषि विद्युत संबंध योजना फेज 2 के तहत चल रहा है। साथ ही पटवन के लिए किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये बिजली किसानों को 70 पैसे यूनिट की दर से दी जा रही है। इसलिए 3 ग्रिड जगहों पर प्रदेश में ग्रिड उपकेंद्र बनाए जाएंगे। दसवीं की परीक्षा में पहले दिन कदाचार मामले में इतने परीक्षार्थी हुए निष्कासित। प्रदेश में बिहार बोर्ड की दसवीं की परीक्षा शुरू है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है। परीक्षा पूरी सख्ती के साथ ली जा रही है। पहले दिन परीक्षा के दौरान 24 परीक्षार्थी कदाचार के मामले में निष्कासित किए गए हैं। ये 24 परीक्षार्थी बिहार के 9 जिलों से थे। बता दें कि दसवीं की यह परीक्षा 2 शिफ्टों में ली जा रही है। परीक्षा 23 फरवरी तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र पर बच्चों को किसी भी हाल में 30 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है, नहीं तो उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं मिल पाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी को लेट पहुंचने के बावजूद भी प्रवेश मिल जाता है तो केंद्राधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल और तेजस्वी ने सुनी किसानों की समस्या। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के तहत बिहार में है। आज उन्होंने सासाराम में अपनी यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करने के साथ ही रोड शो में भी भाग लिया। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे।
अपने इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चेनारी थाना क्षेत्र के सासाराम बनारस हाईवे के किनारे टेकारी गांव में किसान न्याय महापंचायत में भी शामिल हुए थे। इस दौरान आयोजित हुए किसान चौपाल आयोजन में कई किसान नेता सभी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपनी अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने बताया कि वे भारतमाला परियोजना के कारण पीड़ित हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कारण उनकी जमीन जा रही है। इनके जमीन को इस प्रोजेक्ट के लिए सस्ते दामों में खरीदा जा रहा। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्रपति शिवाजी की जयंती पर बिहार के IAS IPS होंगे सम्मानित। देश के वीर सपूतों पर बड़े योद्धाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी शामिल है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती है। इस सब जयंती के अवसर पर बिहार में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराज सेवा समिति द्वारा दी गई है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। सेवा समिति के अध्यक्ष सुधीर पटेल ने संबंध में जानकारी दी है कि वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह के पूर्व संध्या पर आयोजन किया जा रहा। इस समारोह के दौरान बिहार के उन सभी डॉक्टर व IAS IPS अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस दौरान करीब 400 अधिकारी और 31 पदाधिकारी शिवाजी योद्धा सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस का बदला रूट, बिहार के इन जिलों को होगा फायदा। कटिहार, बरौनी, हाजीपुर, पाटलिपुत्र और दानापुर के रास्ते कामाख्या और आनंद विहार एक्सप्रेस को चलाने का आदेश रेलवे द्वारा दिया गया है। कामाख्या से 16 फरवरी को कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। ट्रेन से बरौनी परिवर्तित मार्ग से 18 से 23 फरवरी तक चलाई जाएगी। इसका रूट कटनी, जबलपुर, नयनपुर और बालाघाट रहेगा। कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस दानापुर के रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन पर रुकेगी। मिली जानकारी के मुताबिक कामाख्या आनंद विहार के स्पेशल ट्रेन का परिचालन कटिहार, बरौनी, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, DDU के रास्ते किया जाएगा। बता दें कि एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन साप्ताहिक के परिचालन का निर्णय आरा के रास्ते कामाख्या और आनंद विहार के मध्य लिया गया है, जहां 16 से 29 मार्च तक सप्ताह के हर शुक्रवार को कामाख्या से रात के 10:45 पर खुलकर आरा शाम के समय 7:10 पर DDU जंक्शन पर रुकते हुए रविवार को 8:50 पर आनंद विहार पहुंचेगी। गोपालगंज जिले में बैलगाड़ी से शराब तस्करी के मामले में जब 2 बैलों की होगी नीलामी। अभी हाल में ही गोपालगंज जिले में बैलगाड़ी से शराब तस्करी का मामला सामने आया था, जहां शराब तस्कर पुलिस की जांच होता देख अपने बैलगाड़ी को छोड़कर भाग गए थे। इस दौरान पुलिस को शक हुआ और वे इस बैलगाड़ी को थाने ले आए। इस बैलगाड़ी के माध्यम से शराब की तस्करी के काम को अंजाम दिया जा रहा था। अब इन 2 बैलों को जब्त कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इन बैलों के नीलामी की तैयारी चल रही है। फिलहाल इन 2 बैलों के खान पान का ध्यान रखने का निर्देश उत्पाद स्पेशल कोर्ट द्वारा दिया गया है। साथ ही इन्हें माल खाने में रखा गया है, लेकिन जानकारी सामने आई है कि दोनों ही बैलों ने खाना पीना छोड़ दिया है। इस वजह से पशुपालन विभाग के कर्मियों और चिकित्सक को बुलवाकर इनकी जाँच करवाई जा रही है। नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनकी नीलामी करवा दी जाएगी। लालू यादव के साले सुभाष यादव की खारिज हुई जमानत अर्जी। लालू यादव के साले और पूर्व सांसद रहे सुभाष यादव को अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। इनके नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद MP MLA के विशेष कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश प्रसाद ने इनकी जमानत अर्जी का विरोध किया था। बता दें कि सुभाष यादव पर जमीन खरीद बिक्री मामले में रंगदारी, जालसाजी और धोखाधड़ी से पैसा हड़पने का मामला है। 26 फरवरी तक के लिए सुभाष यादव को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जिले भेजा गया है। बता दें कि इनके खिलाफ ये आपराधिक मामला वर्ष 2023 में ही भेटा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। इस मामले को लेकर मंगलवार को इन्होंने पटना के MP MLA स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। बिहार के 6 राज्यसभा सीटों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता हुआ साफ। बिहार से राज्यसभा के 6 सीटों पर प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। नामांकन करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी थी। इन 6 सीटों पर प्रत्याशियों में 2 BJP से, 2 राजद से, 1 JDU से और 1 कांग्रेस से उम्मीदवार के नामांकन हुए हैं। नामांकित हुए सभी उम्मीदवारों को लेकर माना जा रहा है कि निर्विरोध निर्वाचित होंगे, क्योंकि किसी भी 7वें उम्मीदवार ने इसके लिए नामांकन नहीं किया है, इसलिए मुकाबले की स्थिति नहीं बन रही। 6 सीटों के लिए केवल 6 प्रत्याशियों ने ही नामांकन करवाए हैं, इसलिए अब बिना किसी विरोध के इनके निर्वाचन का रास्ता साफ हो चुका है। इन 6 उम्मीदवारों में BJP से भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता, राजद से मनोज झा और संजय यादव, JDU से संजय झा और कांग्रेस से अखिलेश सिंह के नाम शामिल हैं। लालू यादव का नीतीश को लेकर बयान। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पत्रकारों द्वारा जब लालू यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार को दोबारा मौका देंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है, तो उसके जवाब में लालू यादव ने कहा कि दरवाजा खुला ही रहता है,
लालू यादव के इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो चुका है। बता दें कि अभी हाल में ही नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में गए हैं, लेकिन एक बार फिर से भविष्य में जदयू को महागठबंधन के साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही यह भी साफ हो चुका है कि लालू यादव को नीतीश कुमार के वापसी पर भविष्य में कोई खास परेशानी नहीं होगी। बेटे के पाला बदलने पर आनंद मोहन ने कही ये बात। बीते ही दिन मांझी के बलिया मोड़ पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान आनंद मोहन ने कहा है कि महान समाजवादी नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना वर्तमान समय की मांग है। इससे पूर्वांचल के 20 करोड़ भोजपुरिया समाज के लोगों की मांग पूरी होनी है। वहीं बिहार में इन दिनों गरमाई राजनीति और बेटे के पाला बदलने पर जब आनंद मोहन से सवाल किया गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, वे जो कुछ भी करते हैं वे डंके की चोट पर करते हैं, एहसान की कीमत वे सूद समेत चुकाते हैं तथा अपमान का हिसाब भी समय पर लेते हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए वे सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के सारथी बने तेजस्वी। बिहार के सासाराम में इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जिसमें राजद से तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं। इस यात्रा में तेजस्वी रेड कलर की जीप में ड्राइवर सीट पर बैठे थे, तो वहीं उनके बगल में राहुल गांधी थे। इस जीप पर पीछे मीरा कुमार भी सवार थी। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी और राहुल रोहतास से कैमूर पहुंचेंगे, जहां कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ महागठबंधन के नेता भी भारी संख्या में मौजूद रहे। तेजस्वी यादव जिस तरह से ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और राहुल गांधी उनके बगल में बैठे हैं, इससे साफ संदेश दिया जा रहा कि राजद कांग्रेस के सारथी के रूप में साथ रहने वाली है। अपने पिता को लेकर भावुक हुए सरफराज खान इन दिनों पिता को लेकर काफी भावुक नजर आ रहे हैं। इनका सपना था कि वे अपने पिता के सामने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले। अपने सपने को लेकर उन्होंने बताया कि भारत के लिए खेलना मेरे पिता का सपना था, लेकिन दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। तब घर से उतना समर्थन भी नहीं मिला। उन्होंने मेरे ऊपर कड़ी मेहनत की है और अब मेरे भाई के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। मैं हमेशा ही अपने पिता के सामने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल खेलना चाहता था। मेरे पिता राजकोट आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने जोर दिया कि उन्हें जाना चाहिए। बेशक उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इस दिन के लिए इतनी कड़ी मेहनत की थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, गोनर शर्मा, रवि कुमार, राम मोहम्मद, साकिर हुसैन, अनिल कुमार, रंजय पासवान, अजहर अलीम, बाबूलाल मरांडी, नौसाद राजा, संघर्ष कुमार, रंजित मिश्रा, सादुल्ला पलवी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लालू यादव ने नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी को लेकर जो बयान दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।